हेलो फ्रेंड्स, कुछ यात्री के इस नए सफर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बहुचरा जी के मंदिर। बहुचरा जी, तो देखते हैं यहाँ का मंदिर कैसा है और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बहुचरा जी अहमदाबाद से करीबन 112 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप सौराष्ट्र से इस तरफ आते हैं तो राजकोट, सुरेंद्रनगर, विरमगाम और विठलापुर होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और राजकोट से बहुचरा जी की दूरी 230 किलोमीटर है। दोस्तों, ये मंदिर करीबन 5000 साल पुराना है और अगर हम इसका इतिहास देखें तो जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया था, तब ये देखते हुए माता सती ने दक्ष राजा की यज्ञ वेदी में सती हुए थे, तब क्रोधित होकर शंकर भगवान ने महासती का देह लेकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने निकल गए थे। तब माँ का दाहिना हाथ इस जगह पर गिरा और यहाँ पे सती माँ बहुचर के स्वरूप में प्रकट हुई। क्योंकि यहाँ माँ का बाहु गिरा था, इसलिए बाहु के ऊपर से बहुचर माता जी का स्वरूप यहाँ पे प्रकट हुआ। दोस्तों, ये राइट साइड वाली बिल्डिंग भक्त श्री वल्लभ भट्ट की है, जिन्होंने माता की आरती बनाई थी। दोस्तों, माँ बहुचरा की प्राण प्रतिष्ठा कपिल मुनि द्वारा हुई थी। दोस्तों, बहुचर माता जी किन्नर समाज के आराध्य देवी है। और हाँ, जब भी आप यहाँ पे आइए, आप इनके पास से सुकन का 1 रुपया जरूर लीजिए। मंदिर के एकदम सामने सत्संग हॉल और यज्ञशाला भी है, जहाँ पे यज्ञ होता है और जब भी कोई ऐसा दिन होता है तब सत्संग भी होता है। दोस्तों, सामने दिख रहा ये पेड़ वरखड़ी का पेड़ है और ऐसी मान्यता है कि ये पेड़ 5000 साल पुराना है। दोस्तों, श्लोक कहते हैं कि इसी पेड़ के ऊपर माँ भगवती का हाथ गिरा था। दोस्तों, ये था बहुचरा माता जी का छोटा सा सफर। अंदर ज़्यादा सूट करने को नहीं मिला, फिर भी जितना हो सका उतना कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खूबसूरत जगह पर।